हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज इलिमेंट्री मैथमेटिक्स अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है क्लास टेंथ में वो हम कर रहे हैं ट्रिगोमेट्री और ट्रिगनोमेट्री में हम लोगों ने डिफिनेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड स्पेसिफिक एंगल कर चुके हैं और इन सभी का वीडियो आपके लिंक में मिल जाएगा ओके आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इस आइडेंटिटीज़ पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये बेस कहलाता है मैथमेटिक्स का तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है मेरा फर्स्ट टू प्रूव डैट साइन स्क्वायर ठीठा प्लस कोस स्क्वायर ठीठा इज इक्वल टू वन तो ये एक आइडेंटिटीज है सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए जो एंगल है ठीठा वो कोई भी एंगल हो सकता है मतलब किसी भी प्रकार का एंगल हो सकता है कोई मतलब माइनस से लेके प्लस तक प्लस वन प्लस टू कुछ भी कुछ भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो वो इज कोई भी रियल नंबर हम लोग यहाँ पे कहेंगे रियल नंबर ओके जो कि रियल नंबर होगा ठीठा पहला बात तो कोई एंगल ले लेते सब सपोज मान लेते हैं कि ये एंगल मेरा ठीठा है और ये ट्राइंगल हमारा ए बी और सी है ठीक है तो अब हम ये राइट अच्छा ये चीज यहां पे हम जो भी ट्राइंगल ले रहे हैं है, प्रूफ करने के लिए वो राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब एंगल बी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ओके नाउ यहां पे सिर्फ हम डेफिनेशन का यूज करेंगे और डेफिनेशन का यूज करके जितने भी तीन आइडेंटिटीज अभी मैं लिखूंगा उसे मैं प्रूफ करूंगा और आप देखेंगे कि ये बहुत ईजी है

प्लस हम लोगों ने कॉस थीठा का डेफिनेशन क्या किया था कॉस ठीठा इज बेस और ये हमारा क्या है बेस बेस को हमने बी से डिनोट uh, किया तो ये हो गया बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेट इज ए सी सो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीठा के लिए हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी uh, पी स्क्वायर सॉरी uh, बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर राइट नाव अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका एल्सियम कितना है नीचे में डिनोमेटर में एच स्क्वायर है और इसका भी एच स्क्वायर है यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कर रहे हैं ओके प्लस सिमिलरली इस एच स्क्वायर को डिवाइड करेंगे इस एच स्क्वायर से तो आएगा क्या वन वन को बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई uh, करेंगे तो क्या आएगा तो ये आएगा बी स्क्वायर तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया बी स्क्वायर अब देखिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या था हम लोगों ने किया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल जो विकर्ण होता है कर्ण होता है डेट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर डेट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर डेट इज आधार स्क्वायर राइट right? तो यह, यह हमारा पाइथागोरस थ्योरम है अब इस पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया एच स्क्वायर तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया एच स्क्वायर ओके डिवाइड बाई एच स्क्वायर अब देखिए एच स्क्वायर में अंश में भी एच है और डिनोमिनेटर हर में भी है तो ये कट के क्या हो गया वन हो गया राइट जब हम को से भाग देंगे तो हो गया तो यहां से ही हमारा क्या आ गया एल एच एस लिया था हमने लेफ्ट हैंड साइड और हम लोग कहां पहुंच गए आर एच एस पे राइट किस पे पहुंच गए आर एच एस पे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो यहां से हम कहेंगे साइन स्क्वायर ठीक प्लस कॉस स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वन तो ये एक आइडेंटिटीज है ध्यान रखेंगे आप यहां पे। यहां पे मैं चीज क्लियर कर देता हूं आइडेंटिटीज और इक्वेशन में क्या अंतर है आइडेंटिटीज एक होता आइडेंटिटीज ओके okay? एक होता है मेरे पास इक्वेशन इक्वेशन और एक होता है हमारे पास एक्सप्रेशन ये तीनों चीज को अभी मैं क्लियर कर देता हूं जिससे कि आपको बाद में किसी भी प्रकार की एक्सप्रेशन एस आई ओ एन ओके किसी भी प्रकार का यहां पे दिक्कत ना आइडेंटिटीज क्या होता है आइडेंटिटीज uh, वो एक्सप्रेशन uh, या इक्वेशन हम कहेंगे या वो इक्वेशन कहेंगे आइडेंटिटीज जो हर एक वैल्यू के लिए सेम हो जैसे हमने यहाँ पे साइन का कोई भी वैल्यू ले ले मान लीजिए जीरो डिग्री तो साइन स्क्वायर जीरो डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर जीरो डिग्री इज इक्वल टू वन अगर यहाँ पे हम साइन थीटा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री ले लें तो ये साइन स्क्वायर फोर्टी फाइव डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्वल टू वन तो अगर हम सिक्सटी डिग्री ले लें तो ये साइन स्क्वायर ठीक ठाक साइन स्क्वायर सिक्सटी डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू वन तो आइडेंटिटीज में क्या होता है कि जो कोई जो भी वेरिएबल है मान लीजिए ये वेरिएबल है जो कि अपना वैल्यू चेंज करता है किसी भी वेरिएबल कोई भी वेरिएबल अगर हम लेंगे किस कोई भी मान अगर लेंगे वेरिएबल का तो वो हमेशा हमेशा एलएचएस और आरएचएस बराबर होगा राइट तो यहां पे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगा वेरिएबल पे डू नॉट डिपेंड ऑफ नॉट डिपेंड यहां पे मैं लिख देता हूं नॉट डिपेंड्स मतलब कहने का मतलब है कि वेरिएबल अगर चेंज करेंगे यहां पे मीनिंग समझिए मीनिंग मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वेरिएबल अगर चेंज करेंगे मान अगर चेंज करेंगे तो उसके एल एच साइड में और आर एच साइड में कोई भी तरह का चेंज नहीं होगा इसे हम कहेंगे आइडेंटिटीज अब इक्वेशन क्या होता है इक्वेशन मान लीजिए हमने लिखा x प्लस टू वन तो ऐसा इक्वेशन में क्या होता है कि एल एच एस और आर एच एस बराबर होगा कब बराबर होगा किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जैसे अगर हम x का वैल्यू जीरो ले लें ठीक है और y का वैल्यू वन ले लें तो जीरो प्लस वन तो मतलब एक सॉल्यूशन होगा इसका जीरो और वन तो इसे हम इक्वेशन कहेंगे या फिर टू और माइनस वन तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ये वैल्यू होगा मतलब ये हर एक एक्स और हर एक वाई के लिए नहीं होगा ओके okay? तो यहां पे हम कहेंगे हर एक एक्स और हर एक वाई के लिए ये राइट हैंड साइड में नहीं होगा इसका मतलब ये है कि इक्वेशन में पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कोई सोल्यूशन होगा डैट इज कॉल्ड इक्वेशन ठीक है और आइडेंटिटीज हर एक वैल्यू के लिए सेम सोल्यूशन सेम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा उसे हम कहेंगे इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या होता है जब इक्वालिटी साइन नहीं होता है तो अगर हम इसको लिखेंगे p एज x सो so p एज ए फंक्शन ऑफ x तो इसे हम एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे x प्लस वाई माइनस वन मतलब ये x प्लस वाई माइनस वन किसी चीज के बराबर नहीं हुआ मतलब इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा तो इसे हम कहेंगे एक्सप्रेशन तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिटीज किसे कहते हैं इक्वेशन किसे कहते हैं और एक्सप्रेशन किसे कहते हैं ये बहुत बेसिक क्लास है तो इस चीज को जितना जल्दी हो सके आप समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं नेक्स्ट है हमारा टू प्रूव डैट सेक्स स्क्वायर थीठा माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू वन तो हमने एक्सप्लेन कर पहले एक्सप्लेन कर लिए कि ए बी सी एक ट्राइंगल है ये 90 डिग्री है ये परपेंडिकुलर है ये हाइट है और ये बेस है प्रीवियस स्लाइड में और यहाँ पे हम लोगों ने एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया था ओके अब हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीठा इज इक्वल टू वन सो यहाँ पे मान लेते हैं थीटा है तो सेक्स स्क्वायर थीठा ये सेक सेक स्क्वायर ठीठा माइनस टेन स्क्वायर ठीठा यह क्या हो गया हमारा एल एच एस तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एल एच एस एंड दिस एल एच एस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीठा क्या होता है सेक स्क्वायर का ठीठा uh, का डेफिनेशन होता है हाइपोटेन्यूज पोटेन्यूज कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीठा तो सेक थीठा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस तो यहां पर हम लिखेंगे एच स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर दिस इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीठा और टेन थीठा का क्या वैल्यू होता है टेन थीठा दिस इज इक्वल टू P ओवर b ध्यान दे ध्यान दीजिए पी ओवर बी डेट इज टेंटिटाइज पर पेंडिकुलर ओवर बेस तो यहाँ पे हम लिखेंगे h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर ओवर b स्क्वायर अब देखिए यहाँ पे हमारा हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या हो गया b स्क्वायर ओके okay? अब ये हो गया h स्क्वायर माइनस p square स्क्वायर ओके okay? क्योंकि b स्क्वायर से b स्क्वायर को डिवाइड करेंगे आएगा one और one को h स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये h स्क्वायर आएगा ये यह हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन कर रहे हैं यहां पे बेसिकली जो कि सेवन्थ एटथ या नाइन्थ में आपको पढ़ाया जाता है तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए फिर भी मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूँ जो एलसीएम आएगा उसको डिनोमिनेटर से क्या करेंगे डिवाइड डिवाइड करेंगे मतलब भाग देंगे जो भागफल आएगा उसको उसके अंश से या उसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो यहां पे लिख देंगे तो चूंकि बी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से तो आया वन और वन को मल्टीप्लाई किया एच स्क्वायर से तो ये आ आगे ठीक है अब देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सिमिलरली यहाँ पे पी स्क्वायर आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्यर क्या होता है हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है राइट तो अगर हम यहां पे क्या करें कि इसे हम एच स्क्वायर को एच एच रहने दें और ये p वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो क्या आ जाएगा हमारा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्योंकि जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो साइन क्या हो जा जाता है चेंज हो जाता है तो इधर प्लस माइनस इधर प्लस का साइन था तो ट्रांसपोज किया तो

एक आइडेंटिटीज है बी को क्या करना है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा आपने लिखना है किसमें एलएचएस में एलएचएस में? में और cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा ये साइन का उल्टा होता है तो हाइपोटेन्यूस दैट इज h स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर राइट और माइनस cot स्क्वायर क्या होता है cot स्क्वायर होता है हमारा tan का उल्टा मतलब b स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर अब आपको फर्दर आगे बढ़ना है और इसे प्रूफ करना है वन के बराबर तो ये आपका होमवर्क है राइट right? चलते हैं अब हम कुछ इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन फर्स्ट है देखिए ध्यान से कैसे करते हैं क्वेश्चन इफ साइन ए इज इक्वल टू फिफ्टी फाइव डिग्री एंड कॉस ए इज इक्वल टू फिफ्टी डिग्री राइट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर अब देखिए यहां पर ए इज दिस हेयर अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पार्ट पे तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना तो हमारे पास किसका वैल्यू निकालना है सिक्स सेक स्क्वायर ए माइनस सिक्स टेन स्क्वायर ए ये क्वेश्चन एक आ, मार्क एक नंबर में पूछा जाता है जनरली एस सी में इस तरह का क्वेश्चन तो यहां पर देखिए सिक्स कॉमन है तो हम सिक्स ले लेंगे कॉमन बाहर ठीक है बचेगा क्या मेरे पास सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और अभी हमने प्रूफ किया था सेक्क स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है वन तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्स मल्टीप्लाई बाई वन तो वैल्यू कितना आ गया सिक्स तो इस तरह से हम आइडेंटिटीज को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्रिग्नोमेट्री ट्रु, ट्रु, में ये है कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना ही ज्यादा क्लियर होगा और उतना ही जल्दी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस टेन है डिवाइड बाई इंटू वन माइनस साइन है तो हमें किसका मान निकालना है सेक ए प्लस टेन ए देखे ध्यान से इसे हम लिख लिया सेक ए इंटू टेन ए और इधर क्या निकालना है वन माइनस साइन ए अब देखिए सेक इसको से क्या लिख सकते हैं वन ओवर कॉस ए राइट एनी प्रॉब्लम क्यों क्योंकि सेक ए इज इक्वल टू वन ओवर कॉस ए हमने पहले इसे स्टडी कर लिया अब टेन ए को क्या लिखेंगे साइन ए ओवर कॉस ए क्योंकि टेन ए का वैल्यू साइन ए ओवर कॉस ए होता है आप प्रीवियस क्लास में से दे सकते और यहाँ पे हो गया वन माइनस साइन ए ओके अब देखिए ये एल्सियम क्या हो गया कॉस ए तो अभी हमने ये कॉस ए हो गया अब इसका एड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस ओके और इधर हमारे पास एक पार्ट है मल्टीप्लीकेशन में वन माइनस साइन ए अब यहां पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इसे मानेंगे हम ए और इसे मानेंगे बी मतलब वन को ए मान लिया और साइन ए को बी मान लिया तो ये क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और हम लोग जानते हैं कि ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे दिस सो वन स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस एके अब देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमने अभी प्रूफ किया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए अब देखिए ये कॉस ए इसके स्क्वायर वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा क्यों क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर देखिए कॉस ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ओके और यहाँ पे डिवाइड बाई कौ से तो कौ से एक ही चीज़ है एक ही नंबर कौ से कौ से कैंसिल हो गया बच गया है क्या हमारा कौ से तो इसका जो वैल्यू आया जो इसका मान आया वो हमारा कौ से आया है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हम लोग आइडेंटिटीज़ को कैसे यूज करते हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिक डेफिनेशन है ट्रिक्नोमेटिक uh, रेशियो को उसे कैसे यूज करते हैं। तो बस हमें डेफिनेशन याद रखना है थोड़ा सा आइडेंटिटीज़ को ध्यान में रखना है इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कोई भी अब देखिए क्वेश्चन है तो टेन तो ए का वैल्यू ओके okay. और हमें फाइंड करना से का वैल्यू अब देखिए टेन ए का मान कितना होता है अभी हमने किया था साइन ए ओवर कॉसे ओके और सेक uh, ए का मान हमें निकालना है तो सेक ए बराबर क्या होता है वन ओवर तो बहुत सारे तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन यहां पे हमारे पास क्या दिया हुआ साइन A. साइन A 5 7 दे रखा, है टेन तो ए का मान निकालने के लिए हमें क्या निकालना कितना होता है वन और साइन ए का मान यहां पे कितना दिया है पांच बट्टा सात तो यहां पे हम ले क्या ले सकते हैं ट्वेंटी फाइव ओवर फोर्टी नाइन साइन ए का मान प्लस कॉस स्क्वायर ए दिस इज इक्वल टू वन सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस ट्वेंटी फाइव ओवर दिस इज फोर्टी नाइन और ये हमारा हो जाएगा फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई फोर्टी नाइन और जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर और ये हो जाएगा हमारे पास टू दैट इज़ ट्वेंटी फोर ओवर फोर्टी नाइन तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉस ए का मान निकाल सकते हैं और कॉस ए का मान हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे अभी फिलहाल के लिए तो ये क्या हो गया रूट ट्वेंटी फोर ओवर फोर्टी नाइन तो ये कॉस ए का मान आ गया अब हमें क्या निकालना है टेन ए का तो टेन ए का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे साइन ए तो साइन ए का मान कितना है फाइव ओवर सेवन और डिवाइड बाई कॉस ए तो कॉस ए का मान कितना ट्वेंटी इसको भाग देंगे रूट ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई सेवन तो अब इसे हम क्या ले सकते हैं फाइव ओवर सेवन मल्टीप्लाई बाई जब इसे हम डिवाइड करेंगे इस तरह से तो ये वाला क्या होता है उलट जाता है तो यहां पे हमने इसे उलट दिया और ये कट गया ठीक है सात और साथ कट गया तो हमारे पास जो वैल्यू आया टेन ए का वो है फाइव ओवर रूट ट्वेंटी फोर अब वैल्यू निकालना है हमारे पास सेक ए का और सेक ए का वैल्यू क्या होता है वन ओवर कौसे और यहाँ पे हमने कौसे का वैल्यू निकाल रखे हैं क्या है रूट अंडर ट्वेंटी फोर ओवर फोर्टी नाइन सो तो उससे का वैल्यू कितना हो जाएगा फोर्टी नाइन डिवाइड बाई अंडर रूट ट्वेंटी फोर तो इस तरह से हम लोग डेफिनेशन को यूज करके और आइडेंटिटी को यूज करके इसका मान निकाल सकते हैं तो so, बहुत ईजी है ऐसा इसमें कोई टफ चीज नहीं है नेक्स्ट चलते हैं ये देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है पहले हम लोग लिख लेते हैं एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड में पार्ट क्या है हमारे पास साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर राइट right. और प्लस और क्या है कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर ये हमारा लेफ्ट हैंड का पार्ट है अब इसे हम एक्सपैंड करेंगे कैसे ए प्लस बी अगर हम साइन ए को ए माने स्मॉल ए और कॉस ए को बी माने तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये देखिए ध्यान से ए स्क्वायर डेट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो यहां पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए एट इज ए स्क्वायर इसे हमने माना ए और इसे माना बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे अब यहाँ पे हम लिखेंगे टू साइन ए इंटू कॉस ए राइट ये तो हो गया हमारा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अब इसे फिर एक्सपेंड करेंगे प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर ए और माइनस टू कॉस ए इंटू साइन है राइट ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसको जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा वन और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वन और ये टू साइन ए इंटू कॉस ए और टू साइन ए इंटू साइन टू कॉस ए इंटू साइन ए, ए, ए ये दोनों चीज क्या इक्वल है सिर्फ हेरा ये इसका मतलब पलट गया कॉशे का जगह साइन ए आ गया साइन जगह मतलब ये टू कॉस ए इंटू साइन ए और ये भी टू साइन ए इंटू कॉस ए तो और ये प्लस में और ये माइनस में और ये प्लस में तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा कट के क्या बचाइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन और इसका साइन क्या प्लस है तो यहाँ भी वन और ये बन गया हमारा टू और ये किसके बराबर हो गया राइट हैंड साइड के बराबर में ओके okay? तो यहां से हम लोग देखते हैं कि अगेन यहां पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज किया है और सिंपल सा अल्जेब्रा फॉर्मूला बेस्ड यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले तो बहुत ईजी है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये आपको होमवर्क है आपको ये प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए ओवर स्क्वायर ए प्लस वन ये किसके बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका साइन ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर ए तो आपको इसे प्रूफ करना है ये आपका होमवर्क में प्रूफ करके आप इसे कमेंट बॉक्स में आप आंसर डाल सकते हैं तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हैव अ गुड डे जय हिंद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा ओके हैव अ गुड डे जय हिंद